आप देख सकते हो कि सुबह सुबह जो है भट्टी में बन रही है ताजी ताजी खस्ता में जोड़ी। हमारा सारा सामान मस्टर्ड ऑयल में तैयार होता है, चने आलू की सब्जी और सैलड प्याज का, मूली का, गाजर का, प्यार पंजाबी कहते हैं कि कर दी पई। बहुत ही अच्छा लगा जी। और आप देख सकते हो कि कचौड़ियां जब अंकल ने पेड़े को डाला ही अभी जस्ट इसको कुछ सेकंड हुए होंगे और ये फटाफट फूलने भी लग पड़ी। प्याज भी है और आप देख सकते हो अब इसकी स्टफिंग देखिए, ये देखिए हम पहली बाइट। सिर्फ बनाते हुए खाते भी हो? खाते फिर ठीक है। हाँ जी नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल, दिस इज इरवान पत्रा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इरवान पत्रा पर। आज इतनी ज्यादा बारिश में और टाइम आप देख सकते हो कि हो चुका है जी मॉर्निंग के 8:01 और सुबह सुबह यहाँ पे कस्टमर आने शुरू हो गए क्योंकि हम पहुंच गए जलंधर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट शॉप धन्ना कचौड़ी वाला। और पूरी मार्केट बंद है, एक बार आप मार्केट दिखाना, पूरी मार्केट बंद है। जलंधर की पतली पतली गलियों में से होकर हम यहाँ पे पहुंचे हैं। कितनी मुश्किल से पहुंचे हैं वो मत पूछिए क्योंकि बारिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आप खुद देख सकते हो। पर फिर भी हम जो अपने टमी है ना उसको सुबह सुबह फुल करने आ गए हुए हैं। वैसे मैं सुबह सुबह ज़्यादा खाता नहीं, पर इस कचौड़ी के बिना हम खाए रह भी नहीं पाएंगे। और देखते हैं कैसे बनती है जी सुबह सुबह इतनी फेमस जो है कचौड़ी, इसके पीछे राज क्या है देखते हैं, भैया से बातें करते हैं, चलिए हमारे साथ। और आप देख सकते हो कि सुबह सुबह जो है भट्टी में बन रही है ताज़ी ताज़ी खस्ता कचौड़ियाँ। और लगभग भैया कितनी होंगी ये कचौड़ियाँ? 70-80 कचौड़ियाँ एक समय पे देख लो आप बन रही है। और यहाँ पे भाई साहब 11-12 बजे के बाद अब अगर आगे गलती से तो जैसे आए हो ना वैसे ही घूम के वापिस चले जाना क्योंकि उसके बाद नहीं मिलेगी, यहाँ पे आना पड़ता है सुबह सुबह। एक बार मैं आया था 1 बजे और मुझको नहीं मिली थी। और गर्मा गर्म साथ में आप आग भी सेक सकते हो कि मौसम अभी ठंडा हो गया, दोबारा से मौसम में करवट आ रही है जी क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है। और ये पेड़े बना के रख रखे हैं इन्होंने कचौड़ी के भी। राधे राधे भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गगन ग्रोवर। ठीक है भैया। भैया जो आपकी कचौड़ी इतनी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है, दूर दूर से लोग खाने आते हैं, इसके पीछे एक एक बस मुझे रीज़न बता दीजिए। वैसे तो बहुत सारे, आप एक बता दीजिए। हमारा सारा सामान मस्टर्ड ऑयल में तैयार होता है। ओके। कोयले की भट्टी पे तैयार होता है। कोयले की भट्टी पे तैयार होता है। और भैया कितने टाइम से आपकी जो शॉप चल रही है अभी? नियर 200 साल से। मतलब आप कितनी जनरेशन हो यहाँ पे? सिक्स जनरेशन हो। ओके ओके। भैया आप कचौड़ी के साथ साथ क्या देते हो? चने आलू की सब्जी और सैलड प्याज का, मूली का, गाजर का। ओके। आप देख सकते हो कि अभी भी कस्टमर आ रहे हैं सुबह इतनी थी। भैया बारिश हो रही है, मौसम इतना चेंज हो रहा है, करवटे ले रहा है, फिर भी आपके देख लो कस्टमर आ ही जा रहे हैं, पूरी मार्केट बंद है। प्यार उनका। ठीक है भैया, पैकिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे? हाँ जी, पैकिंग खाने के लिए स्विगी जोमैटो। ठीक है, स्विगी जोमैटो भी। आप देख सकते हो कि जो भट्टी है वो लगातार चल रही है, जिसमें आलू की जो सब्जी है कर रही है जी, अच्छे पंजाबी कहते हैं कि कर दी पई है, तो वो अच्छे से हो रही है। और साथ में मिलेगी इसके दो खस्ता कचौड़ी और मिलेगा सलाद, सलाद में अपने को मिलेगा गाजर का सलाद और प्याज का सलाद। सड़े से नजारे आया ना मौसम के हिसाब, आप भी हमारे साथ दुफ्त उठाइए, हम आपको थोड़ा सा वक्त लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे खस्ता कचौड़ी खाते हुए। भैया आपकी पर डे अप्रोक्सीमेटली कितनी कचौड़ियाँ लग जाती हैं? हमारी डे वाइज है, संडे तो थोड़ी ज़्यादा होती हैं इधर, बाकी दिन कम इधर। ओके। अप्रोक्सीमेटली फिर भी एक दिन में कितनी हो जाती हैं? 200-250। और आप देख सकते हो कि साथ साथ में जी ऑर्डर साथ साथ में चलते रहते हैं पैकिंग के। भाजी पैकिंग का सवेरे सवेरे गर्म गर्म कचौड़ियाँ, पहली बार ये पहला भी इधर लेके आते? बहुत साल हो गए भाई, चेहरे की रौनक नहीं दसता कि पहले बार ही नहीं आए, पहला भी आते थे। भाजी जो आपकी खस्ता कचौड़ी रहती है विद आलू की सब्जी और चने की सब्जी और विद सैलड, इसका क्या प्राइस है? 20 रुपए पर प्लेट। ओके। अगर हाफ लेना चाहे तो हाफ भी मिल जाती है? 20 रुपए। अच्छा, 20 रुपए पर पीस और 35 रुपए फुल प्लेट है। और आप देख सकते हो कि कचौड़ियाँ जब अंकल ने पेड़े को डाला ही अभी जस्ट इसको कुछ सेकंड हुए होंगे और ये फटाफट फूलने भी लग पड़ी। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और दूसरा जो कचौड़ी है वो खस्ता कचौड़ी और तीसरी ये बात है कि इस जो कचौड़ी की शॉप है उसको 200 साल हो चुके हैं।
यही इसका रीजन है कि कचौड़ियाँ अंदर जाते ही फूलने लग पड़ी और इतनी जल्दी शेप लेने लग पड़ी है, वरना आप देखोगे कितना कितना टाइम लग जाता है। और इसकी खास बात एक ये भी है जो ये भट्टी में बन रही है, और आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो गए। एक तो यार आग ना बड़ी अच्छी आ रही है, आग सेकने में मज़ा आ रहा है भैया की तरह, और दूसरा ये ना जो धीरे धीरे आप देखो कचौड़ियों का रंग बदलता जा रहा है और ये ब्राउन होने लग गई, जैसे पूरी तरीके से ब्राउन हो जाएंगी इसको भट्टी में से निकाल के सीधा जाएंगी उस वाली ट्रे पे, और फिर गर्मा गर्म जो कचौड़ी है ना वो 7 साल में कस्टमर को मिलेगी। भैया अब कितना टाइम लगेगा इसको कम से कम, और बस होने वाली है ना ये? आप भैया यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? ठीक है, मज़ा आ रहा है कचौड़ियाँ बनाने में? सिर्फ बनाते हो या खाते भी हो? फिर ठीक है, खाना भी जरूरी है। बहुत ही अच्छा लगा जी, काफी साल तो खा रहे हैं, बड़े साल हो गए हैं बचपन तो ही, ठीक है। अब देखो रिया जी, खस्ता भाई, खस्ता कचौड़ी होती है ना आपकी? हाँ जी, हाँ जी। और भाजी साथ साथ बताते रहना आप क्या क्या डाल रहे हो? चने जी, आलू, ये चने के साथ लग गई गर्मा गर्म आलू की सब्जी और ऊपर आ गया सलाद, क्या बात है। अब इसमें आएंगी गरम गरम कचौड़ियाँ। भाजी टाइमिंग्स क्या रहती हैं अपनी? 5 से 7 बजे तक। और भाजी यहाँ पे कचौड़ियाँ के साथ साथ अपने पास क्या होता है खाने के लिए? बाकी नमकीन होते हैं, पकौड़े, सेवियाँ, मुंगरा वगैरह। ठीक है, ठीक है भाजी। वैसे तो सबको मालूम ही है, पर फिर भी जो कोई यहाँ पे आना चाहे आप एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। हमारा सर वैसे भैरव बाजार, भैरव मंदिर बिल्कुल सामने मेरी शॉप है। ठीक है जी, भैरव मंदिर के बिल्कुल सामने। हाँ जी, तो हाँ जी, अब है जी रिव्यू टाइम अपनी गरम गरम खस्ता कचौड़ी और साथ में जो आलू और चने की सब्जी ऊपर है जी सैलड, वो आ चुका है। और आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह से इन्होंने ये बनाया। देखो पहले नीचे डाली गई छोलों की सब्जी, उसके ऊपर है जी आलू की सब्जी और है ऊपर सैलड, प्याज भी है और आप देख सकते हो गाजर का सैलड भी। और जो कचौड़ी है ना उसको खाने का मज़ा गरम गरम, अगर हम इसको ठंडी कर देंगे ना फिर ये मज़ा नहीं आएगा, फिर मौसम का मज़ा भी जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हो, अब हम सीधा आएंगे रिव्यू पे। आप देखो पहले आपको कचौड़ी की स्टफिंग दिखाते हैं, खस्ता कचौड़ी है, इसकी क्रिस्पीनेस देखो, आपको हल्की हल्की आवाज़ आपके कानों में आ गई। अब इसकी स्टफिंग देखिए, ये देखिए अच्छे से इसकी स्टफिंग की हुई है, खस्ता कचौड़ी है। और हम पहली बाइट के लिए अब रेडी हो चुके हैं, इसको अच्छे से पहले हम मिला लेंगे ताकि चने और आलू और सैलड तीनों का स्वाद एक को बार में आ जाए। और अच्छे से इसको फुल एक बाइट लेके देखिए, हाँ मैं रहा हूँ स्वाद उधर तक आ रहा है क्योंकि बाकी भी खा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आना सुबह सुबह उठ के आना वर्थ है क्योंकि टेस्ट बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। एक अकेली बाइट लेते हैं इसकी, टू गुड यार, सुबह उठ के आना यहाँ पे वर्थ है। आओ एक बार मेरे कहने पे आओ, नहीं मजा आया ना पैसे नहीं वापस होंगे, मजा आएगा ही आएगा। हम भी अब फटाफट खा ले क्योंकि कचौड़ियाँ जी गरम गरम, बाद में ठंडी होगी तो मज़ा नहीं आएगा ना मुझे ना कैमरामैन को, इसलिए आपको मिलते हैं खाने के बाद। तब तक आप एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स। दोस्तों आप देख सकते हो टाइम हो चुका है 8:37 और लोग अब धीरे धीरे अपने कामकाज में जाना शुरू हो चुके हैं, दुकानें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो चुकी है, पर यहाँ पे जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही, कस्टमर आते जा रहे हैं और हम भी कमी मारी हो चुके हैं जी कचौड़ियाँ खा के फुल। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अनबीटेबल टेस्ट है। आप भी ज़रूर एक बार, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे आइए, टेस्ट खुद खाओगे ना पता लग जाएगा क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं फिर नॉलेज फूड या ट्रैवल लोग के साथ, हफ्ते के लिए शबा खैर।